नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा चर्चा का विषय है कि क्या HSG टेस्ट बार बार करवाने का फ़ायदा होता है या नहीं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास 2, 3, 4 HSG की रिपोर्टें लेके आते हैं, तो हमें देख के लगता है कि इतने सारे HSG टेस्ट क्यों हो गए इनके। उसका कारण होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट ने HSG टेस्ट कराया और उसको पता लगा कि मेरी ट्यूबें बंद हैं, मगर पेशेंट विश्वास नहीं करता उस चीज़ पे, तो वो अपना डॉक्टर चेंज कर लेता है। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वह कहते हैं हम आपका एक और HSG टेस्ट करवा के देखते हैं, तो HSG टेस्ट में फिर से ट्यूबें बंद आ जाती हैं या कई बार एक आधी ट्यूब में डाई निकल के आ जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए HSG टेस्ट में ट्यूबें बंद आ गई हैं, तो उसको बार बार HSG का टेस्ट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर HSG के टेस्ट में एक बार ट्यूबें बंद आ गई हैं, तो वह दो तरह के ब्लॉक होते हैं। एक कॉर्नुअल ब्लॉक होता है, यानी कि जब बच्चेदानी के अंदर जहाँ ट्यूब जुड़ी होती है वहाँ का ब्लॉक होता है, और एक डिस्टल ब्लॉक होता है, यानी कि पूरी ट्यूबें नज़र आती हैं मगर डाई बाहर निकल करके नहीं आती है। तो HSG के टेस्ट में अगर मान लीजिए पहले तो क्या HSG टेस्ट जागते पेशेंट में हुआ था या बेहोश पेशेंट में हुआ था। अगर मान लीजिए पेशेंट जागता था और उसके अंदर HSG टेस्ट हुआ है, तो कई बारी पेशेंट जब डर जाता है तो उसका कॉर्नुअल स्पैज़म हो जाता है या उसका जो कॉर्नुआ है वह एकदम टाइट हो जाता है, तो डाई नहीं जाती। तो कुछ HSG टेस्ट डेफिनेटली फॉल्स जो है रिपोर्ट देते हैं, यानी कि ट्यूबें होती नहीं है बंद, मगर HSG टेस्ट में नज़र आती हैं कि बंद है। ऐसा ज़्यादातर कॉर्नुअल ब्लॉक में होता है, क्योंकि कॉर्नुआ जो है वो जब स्पैज़म होता है तो एकदम बंद कर देता है, डाई आगे नहीं जाती। मान लीजिए किसी पेशेंट के HSG टेस्ट में कॉर्नुअल ब्लॉक आ गया जो उसके जागते में की थी, तब भी उसका HSG टेस्ट दोबारा नहीं होना चाहिए। आइडियली उसको चेक करने के लिए या कंफर्म करने के लिए दूरबीन का ऑपरेशन होना चाहिए, देखने के लिए कि क्या ट्यूबें वाकई बंद हैं या खुली हैं, क्योंकि वह टेस्ट बेहोशी में होगा। मगर बार बार HSG टेस्ट करवा कर कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। अब अगर मान लीजिए HSG में डिस्टल ब्लॉक आ गया, यानी ट्यूब पूरी अपनी शुरू से लेकर एंड तक नज़र आ रही है मगर जो है डाई स्पिल नहीं हो रही, या डाई एक जगह पे थोड़ी सी जाके स्पिल हो रही है, ट्यूबों में ब्लीडिंग नज़र आ रही है, अकड़ी हुई ट्यूबें नज़र आ रही हैं, ट्यूबों में से डाई ब्लड वेसल में फैली हुई नज़र आ रही है, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो है डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है, और यहाँ पर बहुत सारी हो सकता है एडिशंस हों या शरीर चिपका हुआ हो। ऐसे पेशेंट ज़्यादातर प्रीवियस सर्जरी की या TB की दवाई खाने की हिस्ट्री देते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी के ऐसे वाले ब्लॉक आ रहे हैं जहाँ पे अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा कि ट्यूबें पूरी खुल के ट्यूबों में पूरी डाई जाकर पूरी अच्छे से फैल गई है, तो ऐसे पेशेंट में कुछ भी और करने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। और अगर मान लीजिए हम इसमें बार बार HSG टेस्ट करते हैं या दूरबीन के ऑपरेशन करते हैं या इनको बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने जी अपनी ट्यूबें खुलवाई थी और ट्यूबें खुलवाने के बाद हमारे जो है ट्यूब में ही प्रेगनेंसी ठहर गई। तो इसलिए जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिडलिंग जो है वो करने का कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। TB का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए ढूंढने के लिए कि कहीं पेशेंट ने TB की जो TB इस टाइम यूट्रस में TB तो नहीं है। और उसके अलावा जो है बंद ट्यूबों या अनहेल्दी ट्यूबों का इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा होना चाहिए। अब कुछ पेशेंट्स जो हैं वो क्योंकि मानते नहीं हैं कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का HSG किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि आपकी ट्यूबें बंद हैं, तो डॉक्टर जो है वो ट्यूबें बंद या खोल नहीं कर रहा है, डॉक्टर सिर्फ आपकी बंद या खुली ट्यूबें चेक करके बता रहा है कि आपकी ट्यूबें खुली हैं या बंद हैं। तो लोग कई बार बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि अरे उन्होंने तो हमारी ट्यूबें बंद ही बता दी, या डॉक्टर ने आपकी ट्यूबें बंद नहीं की हैं, ट्यूबें बंद थी, उसने सिर्फ ढूंढ के बताया आपको कि आपकी ट्यूबें बंद हैं। तो इस करके जो ट्यूबें बंद हैं उसमें आगे चला जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट कहते हैं कि 5 साल पहले हमने ट्यूब टेस्ट करवाया था, उसमें डाई दिख रही थी, फिर उसके बाद जो है बेबी भी हो गया और उसके बाद अबॉर्शन हो गई, सफाई वगैरह हो गई, और उसके बाद अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे केसेस में HSG रिपीट करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी तरह की सर्जिकल इंटरवेंशन हुई है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर सफाई हुई है या पेट में किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, और पहले ऑलरेडी एक बच्चा है और अब दोबारा बच्चा नहीं हो रहा, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सालों के बाद दोबारा HSG कराने का लाभ होता है। ये सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट
परीक्षण का दोबारा HSG करने का उसको सलाह देते हैं कि आप अपनी ट्यूब में चेक करवा के देख लीजिए, और ये HSG हो सकता है पेशेंट की दूसरी बार हो रही हो। ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सालों का अंतर होगा और हमें कोई रीज़न मिल रहा होगा कि हाँ हम इस पेशेंट की ट्यूब में क्यों सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये बंद होंगी, क्योंकि इनका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है या इनका पहले कोई तरह की सफाई हुई है जिसमें हमें इन्फेक्शन का डर है, तो इन पेशेंट्स में दोबारा HSG करवाने का लाभ हो सकता है। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि HSG एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ट्यूबें खुली हैं या बंद हैं। अगर मान लीजिए हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्यूबें बंद हैं, तो हमें बार बार यही टेस्ट करवाने की बजाय आगे चलना चाहिए, या तो हमें दूरबीन के रास्ते में चलना चाहिए अगर पेशेंट यंग है, या फिर हमें इसका IVF से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।